हमारा मेरा सिर फाड़ा हुआ था उन्होंने, यहाँ पे पीछे भी मेरे चोट लगी हुई है इधर, ये देखो जी हमारे सारे शरीर पे उन्होंने बहुत घाव दे रखे, बहुत परेशान है हम तो, बहुत परेशान है, हमारा साथ दीजिए जी, हमारे बहुत साथ लड़ाइयाँ करते हैं, हमें मारते हैं, हमारे बाल फाड़ते हैं, बहुत दुखी करते हैं जी बाबू जी, हमें बचाया जाए, हमारा हमारा हेल्प होना चाहिए, बहुत परेशान कर रखा हमें, हमारी मम्मी को भी बहुत मारते हैं, एक बीच में बीच के बहुत बुरा बुरा हाल कर रखा था। आज किनसे मिलने आए हो? हाँ तरह मैंने सुनी ऊपर क्या था मैं, हाँ उसी में मिली, अभी नहीं मिले, जाएंगे मिलेंगे, पहले मिले थे। आप इनके घर में जाके किसी टाइम छापा दे मार के देखो, वहां आपको आदमी बैठे मिलेंगे, नहीं किन्नरों के में आदमी का क्या काम है, शहर के गुंडों का क्या काम है, वो है एक क्या नाम इसका पति है क्या नाम सुरेंद्र, वो पूरी गुंडागर्दी दिखाता है, पूरी अपराधी किस्म का है, उसकी जाँच कर लीजिए, वो पूरा अपराधी है, वो शहर में पूरी गुंडागर्दी करता है, पूरे नशे करते हैं, सोनिया किन्नर भी नशेबाज है, नशे करता है, तो मैं तो सीधी सादी सी किन्नर हूँ, मैं कहती हूँ कि मेरी रक्षा की जाए, नहीं तो मेरा भी एक मर्डर करवा देगा। बहुत परेशान करते हैं, रात को भी दारू पी पी के हमें हमें गंदी देते गंदी गालियाँ देते हैं, बात गंदी गंदी गालियाँ देते हैं, मारने की धमकी देते हैं, जहाँ कहीं हम बधाई भी जाते हैं वहीं हमारे साथ लड़ाइयाँ करते हैं, हमें मारते हैं, हमें परेशान करते हैं। मीडिया से मैं ये गुहार करती हूँ सर जी, जो इस तरह के क्रिमिनल लोग हैं और ये झूठे केस बनाते हैं, झूठे में फंसाना चाहते हैं, 307 जैसे केस लगवाते हैं, प्लीज इनको इनके ऊपर बंदिश लगाई जाए, इनसे ऐसे 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 कर करके तो एक कोई किसी सीधे किन्नर को मार ही डालेंगे, पहले और किन्नर भी रहते थे वहाँ, सबको इसने मार पीट के भगा दिया, लगातार मेरे साथ मारपीट कर रहे, कहीं मिल जाते हैं तो धमकियाँ देते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे गंदी गंदी गालियाँ बुरी बुरी बातें बोलते हैं कि मैं मजबूर हो जाऊँ आत्महत्या करने के लिए, तो ऐसे मेरे को परेशान बनाया जा रहा, झूठे झूठे केस में फंसाने की चालें चल रही। सर जी जो ये शिव कुमार सोनिया जो बना है किन्नर, ये पूरी तरह फ्रॉड है, इसको दुनिया भर के आपराधिक रिकॉर्ड हैं, किन्नरों का काम होता है दुआ मांगना और सबका भला मनाना, ये क्या काम करते हैं, झूठे केस बनवाते हैं और फिर क्या नाम वहाँ निवस्त्र होकर खड़े हो जाते हैं, पुलिस पे बाई फोर्स अपने हिसाब से काम करवाना चाहते हैं, ये देखो जब ये लड़का था तब भी इसने अपना ऑपरेशन करवा के और मुझे धमकी देता था ऑपरेशन से पहले, जिसकी मैंने दरखास्त लगाई थी, इसमें देखो सब इसने लिखा हुआ है कि मैं ये बुरे विचारों वाले हैं, ट्रकों में चढ़ के किन्नर बन के लूटपाट करते हैं, और फिर उसके बाद इसने खुद राजीनामा लिखा था कि भाई मैं अपना अंग भंग करके शालू किन्नर का नाम नहीं लूँगा, इसने साइन भी कर रखे शिव कुमार उप सोनी, फिर उसके बाद ही इन्होंने ये चंडीगढ़ भी पकड़े गए, जिसके क्या नाम बाकायदा मेरे पास सबूत हैं, वहाँ इनके ऊपर 420 की धारा लगी, ये देखिए सर, बनते थे हिजड़े निकले मर्द, इनकी डॉक्टरियाँ हुई, पुरुष जेल में रखा गया, फिर इन्होंने क्या काम करा, ऑपरेशन करवा के तो मेरा नाम नहीं ले सकते थे, फिर इन्होंने मेरे ऊपर 307 का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया सर जी, उसके भी मेरे पास है, ये देखो मामले में आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, अब क्या काम करें, जाते हैं कहीं मैं मिल जाती हूँ तो मेरे साथ मारपीट करते हैं सर जी, और क्या नाम वहाँ पे जाके थाने में खड़े हो जाते हैं कि इन्होंने मारा इन्होंने मारा, पहले भी इन्होंने मेरे ऊपर कई झूठे आरोप लगाए जो वाकई में थाने में भी साबित हो गए कि झूठी बातें हैं, रियात खाने में हमारे साथ झगड़ा करा, पुलिस ने दोनों का चलान काट दिया, अब और झूठे पे झूठे केस बनवाना चाहते हैं मेरे ऊपर, मुझे धमकियाँ देते हैं, रात को शराबे पीते हैं, व्हाट्सएप पे गालियाँ देते हैं, जिसके मेरे पास वॉइस मेल भी हैं, वॉइस भी हैं मेरे पास रिकॉर्ड, उनमें इसके चेले भी मुझे धमकियाँ दे रहे, गालियाँ दे रहे, ऐसा कर रहे हैं कि जिससे मैं मजबूर होकर या तो आत्महत्या कर लूँ या क्या कर लूँ, मैं क्या करूँ सर जी, मीडिया से मैं ये गुहार करती हूँ सर जी, जो इस तरह के क्रिमिनल लोग हैं और ये झूठे केस बनाते हैं, झूठे में फंसाना चाहते हैं, 307 जैसे केस लगवाते हैं, प्लीज इनको इनके ऊपर बंदिश लगाई जाए, इनसे ऐसे 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 कर करके तो एक कोई किसी सीधे किन्नर को मार ही डालेंगे, पहले और किन्नर भी रहते थे वहाँ, सबको इसने मार पीट के भगा दिया, ये इसी टाइप के हैं, चाहे जांच कर ली जाए, एक इन्होंने पति बना रखा है सुरेंद्र सुरेंद्र, तो उसको आपकी संस्था मिली, जो आप किन्नर समाज की जो संस्था है, जो आपके लोग हैं वो पुलिस प्रशासन से या मिले सब जगह? हाँ जी मिलते हैं, लेकिन मैं जाती हूँ तो क्या नाम पुलिस वाले सब कहते हैं कि आप सही हो, लेकिन ये आते
आते हैं, ये पूरा ग्रुप आता है, नशे करके आता है, वहाँ थाने में कपड़े उतारते हैं, बाई फोर्स पुलिस को मजबूर कर देते हैं कि इनके हिसाब से क्या नाम चले पुलिस। ये पुलिस को भी नहीं कुछ समझते, इतने अपराधी है, नहीं तो प्रशासन बनाए तो सुरक्षा के लिए बनाए, सबके क्या नाम एक कानून के अंदर रहने के लिए बनाए, मगर ये कानून वानून कुछ नहीं जानते, वहाँ नग्न खड़े हो जाते हैं, बड़ा बुरा बर्ताव करते हैं, पुलिस वालों तक से मिसबिहेव करते हैं। तो आप ये सोचो ये किस तरह के किन्नर हैं, किन्नर ये थोड़ी ना है, हमारे समाज में तो सिर्फ दुआ देना और मांगना खाना यही होता है, ये थोड़ी ना होता है कि वहाँ पुलिस थाने में अपनी गुंडागर्दी दिखा रहे हैं और लोगों को परेशान कर रहे हैं। अगर मेरे कोई भी कागज डुप्लीकेट पाए जाए, नकली पाए जाए, तो जो सजा कौन सा मामला था जहाँ आपका समझौता हो गया और अभी भी आप पे मामला दर्ज है, वो कहाँ का मामला है? सर वो रियात खाने में हमारा झगड़ा हो या दोनों पार्टियों का चलान कट गया, फिर उसके बाद ये लगातार मेरे को धमकियां दे रहे, लगातार मेरे साथ मारपीट कर रहे, कहीं मिल जाते हैं तो धमकियां देते हैं, व्हाट्सएप पे मुझे गंदी गंदी गालियां, बुरी बुरी बातें बोलते हैं कि मैं मजबूर हो जाऊं आत्महत्या करने के लिए। तो ऐसे मेरे को परेशान बनाया जा रहा, झूठे झूठे केस में फंसाने की चाले चल रहे। क्या केस क्या हुआ था, क्या लड़ाई झगड़ा हुआ था, किस बात को? एरिया मेरा कब्जाना चाहते हैं सर, मैं 25 सालों से खूब इज्जत से मांग रही हूँ, आप मेरे किसी भी गांव में जाके पता कर लीजिए, मैं आज तक किसी के साथ बुरा बर्ताव नहीं किया, जो कुछ आदर से जिसने दिया वो ही स्वीकार कर लिया। लेकिन सर ये जो है क्रिमिनल, ये अब पहले से ही मेरे साथ गांव कब्जाने के लिए लगातार केस बनवाते जा रहे हैं, मैं मजबूर हो रही हूँ, मैं मीडिया से मदद की गुहार करती हूँ कि प्लीज़ सच्चाई दिखाइए, ये देखिए कैसे क्रिमिनल लोग हैं, ये हमारे साथ भी अत्याचार कर रहे हैं, कल को ये औरों के साथ भी अत्याचार करेगा, इनको क्या नाम बंद, इन पर रोक लगाई जाए। और मैं लोगों से भी कहना चाहती हूँ कि इस तरह के क्रिमिनल जिनके रिकॉर्ड है उनको क्या नाम बधाई ना दे, क्योंकि ये तो आप इनको बधाई दे रहे हो तो वहाँ शाम को दारुआ चलती है, मीट चलता है, गुंडे बदमाश शहर के वहाँ आके बैठते हैं, सब पूरा भ्रष्टाचार, पूरे नशों में लिप्त हैं, इनकी लड़ाई झगड़ा भी होता है, मारते वगैरह? हाँ जी, हाँ जी, मुझे मारते हैं जी, इसका भी सिर फाड़ दिया था यहाँ पे, हमारे पीछे यहाँ कमरे में मार रखा था, इसका सिर फाड़ दिया था, और बहुत मारते हैं, लड़ाई करते हैं हमारे साथ, बहुत दुखी करते हैं हमें, और मारने की धमकियां भी देते हैं और परेशान करते हैं, रात को भी दारुआ पी पी के हमें हमें गंदी गंदी गालियां देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, मारने की धमकी देते हैं, जहाँ कहीं हम बधाई भी जाते हैं वहीं हमारे साथ लड़ाइयाँ करते हैं, हमें मारते हैं, परेशान करते हैं, गुंडे लेके आते हैं साथ में, मुंह पे उनके कपड़े होते हैं, हम पहचान नहीं सकते उनको, हमारे साथ बहुत मार पिटाई करते हैं, यहाँ हमारा मेरा सिर फाड़ा हुआ था उन्होंने, यहाँ पे पीछे भी मेरे चोट लगी हुई है इधर, ये देखो जी हमारे सारे शरीर पे उन्होंने बहुत घाव दे रखे, बहुत परेशान है हम तो, बहुत परेशान है, हमारा साथ दीजिए जी, बहुत लड़ाइयाँ करते हैं, हमें मारते हैं, हमारे बाल पाड़ते हैं, बहुत दुखी करते हैं जी, आओ जी हमें बचाया जाए, हमारा हेल्प होना चाहिए, बहुत परेशान कर रखा हमें, हमारी मम्मी को भी बहुत मारते हैं, एक बीच में भी इसके बहुत बुरा बुरा हाल कर रखा था। आज किसे मिलने आए हो? हाँ जी तरह मिलने से ऊपर क्या नाम है, हाँ उनसे में अभी नहीं मिले, जाएंगे मिलेंगे, पहले मिले थे थाने में जाते हैं, थाने में भी हमें ऐसे बिठा देते हैं बिल्कुल कोने में लगा के। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं करनाल के जिला सचिवालय से, जहां पर आप देख सकते हैं ये किन्नर समाज के लोग हैं, इंद्री से यहां पर आए हैं, इनकी मांग है कि इनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं और इसके बाद इनके ऊपर मामला दर्ज कर दिया गया है, लेकिन जो इनके ऊपर आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद है, और फिलहाल जो है पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है वो देखने वाली बात होगी, लेकिन जो मामला है वो एरिया की लड़ाई को लेकर है, एरिया किसका कितना रहेगा इस बात की मांग को लेकर लड़ाई है, यानी कि ये एरिया आपका है, ये एरिया मेरा है, और इसको लेकर पहले भी इंद्री के इलाके में कई बार झगड़े हो चुके हैं, कई बार ऐसी बातें देखने को मिली है कि दोनों पक्ष किन्नर समाज के आपस में भिड़ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा होता है, चोटें लगती हैं और उसके बाद हॉस्पिटल जाते हैं, उसके बाद पुलिस थाने में जाते हैं। फिलहाल
स्किनर समाज के ऊपर 307 जो धारा है उसके तहत मुकदमा दर्ज है और फिलहाल ये अपील कर रहे हैं प्रशासन से कि मामले की जांच की जाए और दूसरे जो समाज है किन्नर का उस पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या आप मांग करते हैं फिलहाल? मैं ये कहती हूँ कि ऐसे आपराधिक जो किन्नर हैं ये झूठे केस बनाते हैं, प्लीज प्रशासन इनकी बातों का यकीन ना करें। मेरे पास सारे सबूत हैं, जिस दिन झगड़ा होया उस दिन मैं अपने घर पर ही मौजूद थी, बल्कि बैंक में गई हुई थी, वहाँ से आप फुटेज निकाल लीजिए। मैं बैंक में से पेमेंट निकलवाने गई थी क्योंकि मैं एक छोटा सा मकान बना रही हूँ, मकान 20 तरह का कि आगे मंदिर है पीछे मेरी रिहायश है, और मैंने अपनी ज़िंदगी का ये फैसला कर रखा है कि जो मैं कमाऊँगी वो अपने देश के फौजियों के नाम करके मरूँगी। सब मैंने पैसा मेरे बैंक अकाउंट फौजियों के नाम करके दुनिया से जाऊँगी। तो मेरी यही तमन्ना है कि सच हो, सच की जीत हो, और ये जो इस तरह के क्रिमिनल किन्नर हैं ये जो लोगों को जाके कहते हैं 21,000 दो, 31,000 दो, 11,000 दो, इन जैसे जो आपराधिक किस्म के हैं इन पर रोक लगाई जाए, क्योंकि अब इन्होंने ऑपरेशन करवा लिया तो उसमें गरीब जनता का क्या दोष है? उनसे क्यों कह रहे हैं कि हमें 21,000 दो, 31,000 दो? अपनी मर्जी से ऑपरेशन करवाया है, इसमें सारा कुछ है कि जेल में जाने से पहले इनकी डॉक्टरी हुई, ये पुरुष साबित हुए, पुरुष थे तभी तो एक हेडिंग आ गई, नहीं तो पत्रकार कभी भी अखबार में झूठी बात नहीं छाप सकते। उनमें सारा कुछ साबित होया कि ये पुरुष है और ये पुरुष जेल में गए, और फिर भी इनके खिलाफ कोई भी एक्शन में नहीं कर पा रही है क्योंकि ये वहाँ नंगे हो जाते हैं, थाने में कपड़े उतार के देते हैं, पुलिस वालों के साथ उनके बच्चों को गालियाँ देते हैं, वो पुलिस वाले घबरा कर इनके हिसाब से बनाने लग जाते हैं केस। पुलिस वाले भी बेचारे बाल बच्चेदारे में डर जाते हैं, उन्हें इनकी असलियत नहीं पता है कि ये किस टाइप के आपराधिक किस्म के हैं। मेरे पास सारे इनके रिकॉर्ड हैं, इन्होंने कई कई केस कर रखे। एक तो ये चंडीगढ़ से रंजीत पत्रकार था, उसकी औरत को भगा के ले आया था, इसका पति और ये सुरेंद्र, और एक इसका भाई मोनी अजय जो बीजेपी में हैगा, तो वो बीजेपी में होने की वजह से मिलने आए थे। आज मैं एसपी साहब डीएसपी साहब के पास पहले भी कई बार आ चुकी हूँ, गुहार लगा चुकी हूँ कि सर मुझे अपनी जान का खतरा है, ये किन्नर मुझे मार देंगे क्योंकि ये आपराधिक किस्म के हैं, शहर के गुंडे इनके घर में रहते हैं, आप इनके घर में जाके किसी टाइम छापा दे मार के देखो, वहाँ आपको आदमी बैठे मिलेंगे। नहीं, किन्नरों के मैं आदमी का क्या काम है, शहर के गुंडों का क्या काम है? वो है एक क्या नाम इसका पति है क्या नाम सुरेंद्र, वो पूरी गुंडागर्दी दिखाता है, पूरी अपराधी किस्म का है, उसकी जांच कर लीजिए, वो पूरा अपराधी है, वो शहर में पूरी गुंडागर्दी करता है, पूरे नशे करते हैं, सोनिया किन्नर भी नशेबाज है, नशे करता है। तो मैं तो सीधी सादी सी किन्नर हूँ, मैं कहती हूँ कि मेरी रक्षा की जाए, नहीं तो मेरा भी एक मर्डर करवा देगा। तो ऐसे ये कहना चाहती हूँ, जो रैयत खाने में मामला हुआ उसमें दोनों पार्टी का चलान कटा, हमें पेश कर दिया गया, लेकिन उनको पेश तक नहीं कर रही है पुलिस, क्योंकि वो ना इतना अभद्र व्यवहार करते हैं, और उस क्या नाम कि पुलिस उन पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं कर पा रही, क्योंकि एक तो अपराधी ऊपर से किन्नर ऑपरेशन करवा के बन गए, तो पुलिस को मजबूर कर देते हैं, पुलिस वाली मुख दर्शन होके इनका ये ड्रामा देखती रहती है। तो ये तो मैं तो यही कहूँगी कि आप मेरी जांच कर लीजिए, उस दिन मैं बैंक में थी, उसके बाद मैं वैक्सीनेशन के लिए सरकारी हॉस्पिटल में गई थी। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, फिलहाल देखना ये होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ तफ्तीश करती है। एक मामला जहां पर दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था वहां पर समझौता हो जाता है, लेकिन उसके बाद एक जगह और जो एरिया को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है, और जब लड़ाई झगड़ा होता है एरिया को लेकर तो उसके बाद इस किन्नर समाज के खिलाफ एक जो लोग हैं उनके खिलाफ मामला दर्ज कर दिया जाता है, और जब मामला दर्ज होता है तो उसके बाद इनकी तरफ से भी आरोप लगाए जाते हैं कि इनके ऊपर जो मामला दर्ज हुआ है वो बेबुनियाद आरोपों के तहत हुआ है, और पुलिस को इस पूरे मामले में जांच करनी चाहिए। आज ये तमाम लोग जो हैं वो करनाल के एसपी डीएसपी से मुलाकात करने के लिए आए थे ताकि मामले की तफ्तीश अच्छे तरीके से हो सके। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में इस पूरे मामले में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। करनाल से करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए हिमांशु नारंग। यहाँ हमारा मेरा सिर फाड़ा हुआ था उन्होंने, यहाँ पे पीछे भी मेरे चोट लगी हुई है, इधर देखो जी हमारे सारे शरीर पे उन्होंने बहुत घाव दे रखे, बहुत परेशान है हम, तो बहुत परेशान है, हमारा साथ दीजिए जी, बहुत लड़ाइयाँ करते हैं, हमें मारते हैं, हमारे बाल पाड़ते हैं, बहुत दुखी करते हैं जी, आओ जी हमें बचाया जाए, हमारा हेल्प होना चाहिए, बहुत परेशान कर रखा हमें,
हमारी मम्मी को भी बहुत मारते हैं, एक बीच में भी इसके बहुत बुरा बुरा हाल कर रखा था। आज किसे मिलने आए हो? आज तरह मिलने ऊपर क्या था मैं? हाँ उसी में अभी नहीं मिले, जाएंगे मिलेंगे, पहले मिले थे। आप इनके घर में जाके किसी टाइम छापा दे मार के देखो, वहाँ आपको आदमी बैठे मिलेंगे। नहीं किन्नरों के मैं आदमी का क्या काम है, शहर के गुंडों का क्या काम है? वो है एक क्या नाम इसका पति है क्या नाम सुरेंद्र, वो पूरी गुंडागर्दी दिखाता है, पूरी अपराधी किस्म का है, उसकी जांच कर लीजिए, वो पूरा अपराधी है। वो शहर में पूरी गुंडागर्दी करता है, पूरे नशे करते हैं। सोनिया किन्नर भी नशेबाज है, नशे करता है। तो मैं तो सीधी सादी सी किन्नर हूँ, मैं कहती हूँ कि मेरी रक्षा की जाए, नहीं तो मेरा भी एक मर्डर करवा देगा। परेशान करते हैं, रात को भी दारुआं पी पी के हमें गंदी गंदी गालियां देते हैं, बात गंदी गंदी गालियां देते हैं, मारने की धमकी देते हैं। जहाँ कहीं हम बधाई भी जाते हैं वहीं हमारे साथ लड़ाइयाँ करते हैं, हमें मारते हैं, परेशान करते हैं। मीडिया से मैं ये गुहार करती हूँ सर जी, जो इस तरह के क्रिमिनल लोग हैं और ये झूठे केस बनाते हैं, झूठे में फंसाना चाहते हैं, 307 जैसे केस लगवाते हैं, प्लीज़ इनके ऊपर बंदिश लगाई जाए। इनसे ऐसे ऐसे कर करके तो एक कोई किसी सीधे किन्नर को मार ही डाले।